थैंक यू सो मच। पहले तो गाने का नाम है मुकम्मल, यासिर देसाई का सॉन्ग है एंड विनीत भाई के साथ सेकंड सॉन्ग है मेरा, एक अंकित तिवारी के साथ किया था। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने सोचा एक और करना चाहिए एंड गाना तो इतना ब्यूटीफुल है, आप सुनोगे ना मज़ा आ जाएगा। इट वॉज रियली नाइस वर्क विथ असलम जी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। इट्स माई फर्स्ट वर्क विथ असलम जी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। बहुत अच्छा सॉन्ग है, इट्स लव स्टोरी, रोमांटिक, सब देखने को मिलेगा आपको। अरे इट वॉज फैंटास्टिक, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम एक्चुअली असलम जी के साथ काम करना एंड मैंने उनका काम देखा है बट सो एक तो पहले तो गर्मी बहुत है तो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग टू शूट बट फुटेजेस देखने के बाद आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड कि अच्छा निकल के आएगा वीडियो। थोड़ा गाने के बारे में बता सकते हो क्या स्टोरी लाइन है? स्टोरी लाइन तो सरप्राइज है, देखोगे तो मज़ा आएगा, अभी बता दिया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मैम आपसे थोड़ा गाने के बारे में। गाना बहुत बहुत प्यारा है और जो भी सुनेगा वो एक बार में याद हो जाएगा उसको कि इतना अच्छा सॉन्ग है और ये इट्स अ डिफरेंट लव स्टोरी, प्यार हो जाएगा सीरियसली किसी से भी आसपास जो भी थोड़ा आपको वेट हो करना होगा इस सॉन्ग को रिलीज होने में वरना अभी सब बता देंगे तो मजा क्या रह जाएगा। आप दोनों की केमिस्ट्री के बारे में मैं जानना चाहूंगा, पहले आपसे जानना चाहूंगा कि इनके साथ काम करने में कैसा लगा और आपसे जानना चाहूंगा इनके साथ काम करने में कैसा लगा। हम लोग असलम जी के साथ जैसा कि मैंने बोला फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, इनके साथ भी फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ बट एक होता है प्रोफेशनलिज्म होता है तो फिर वो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती काम करने में, सब कुछ स्मूथ होता है तो दैट्स हाउ इट वेंट, सब कुछ स्मूथ हुआ एंड अभी तो बाकी है शूट, आधा शूट बाकी है सो लेट्स होप सब अच्छे से हो जाए। या सेम ईयर मैं भी फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ महेश के साथ और मुझे बहुत अच्छा लगा, इज़ वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी कोऑपरेट और थैंक यू फॉर बीइंग माय वंडरफुल को-स्टार, थैंक यू। क्योंकि ये कॉलेज लव स्टोरी है जो वो एक फर्स्ट लव का फीलिंग होता है ना वो है इस सॉन्ग में, तो उसके लिए कॉलेज तो ज़रूरी है तो वो कॉलेज का वाइब पूरा कैप्चर करने का ट्राई किया है डायरेक्टर ने एंड हो भी गया है वो काफ़ी हद तक एंड या सो इसलिए कॉलेज चूज़ किया। नहीं वो एक्चुअली एक ड्रीम सीक्वेंस है, वो मैं हूँ ना मैं जैसे आप देखते हो वैसे ड्रीम वो इमेजिन कर रहे हैं। मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, विनीत भाई को पूछो, विनीत भाई के पास सब नॉलेज है गाने के बारे में। नहीं नहीं एक्चुअली हाँ ये ड्रीम सीक्वेंस ही था और मैंने एक्चुअली सीक्वेंस देखा नहीं है, मैं अभी जस्ट ही आया हूँ तो आई थिंक महेश भाई अगला क्वेश्चन आप ही ले लो, मुझे नहीं पता। तो मैं आई थिंक अच्छा मेरे लिए क्वेश्चन है इनके लिए ओके। तो मैं ये गाने में आई थिंक बहुत स्टार्टिंग से इन्वॉल्व हूँ बिकॉज वी वर टेकिंग केयर ऑफ द म्यूज़िक पहले, फिर लिरिक्स लिखी, फिर उसके बाद हमने सिंगर चूज़ किया तो यासिर देसाई बहुत अच्छा सिंगर है तो उनकी आवाज़ इस पर बैठती भी बहुत अच्छी, सो वी टुक यासिर ऑन बोर्ड। फिर कास्टिंग में महेश के साथ जैसे एक ऑलरेडी वीडियो किया था हमने एंड ही एक्ट्स रियली वेल एंड ही इज़ अ यूट्यूबर, पीपल ऑब्वियसली नो हिम एज अ यूट्यूबर बट ही ऑल्सो एक्ट्स वेरी वेल, तो हमने फिर डिसाइड किया एक और गाना करते हैं महेश के साथ एंड देन ऑब्वियसली असलम भाई केम ऑन बोर्ड, ही गॉट दी अदर पीपल इन द कास्ट ऑन बोर्ड एंड अभी अच्छा चल रहा है, होपफुली सबको गाना पसंद भी बहुत आएगा तो एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा। काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे हम लोग एक सॉन्ग और ये सॉन्ग वो सॉन्ग ये सॉन्ग बट ये वाला जब मैंने सुना आई वाज लाइक ये वाला तो करना ही है। हाँ, इनको यूजुअली वो गाने पसंद आते हैं जिसमें फील ज़्यादा हो, फील ज़्यादा हो, रोमांटिक है दिल से। तो विनीत भाई बताएंगे अभी तक ऑनेस्टली पता नहीं है बट वेरी सून प्रोबेबली आई थिंक मे बी सेकेंड वीक ऑफ अगस्त के पहले या जुलाई अगस्त में जल्दी ट्राई करना। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो मैं तो अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक स्केच वीडियो सोच रहा हूँ एंड खुद का म्यूज़िक भी सोच रहा हूँ विनीत भाई के साथ, तो अभी हम लोग उसी बारे में बात कर रहे थे एंड तो यस जो रेगुलर कंटेंट आता है यूट्यूब पे वो तो आते ही रहेगा एंड जो स्केच वीडियोस है उसका प्लानिंग चल रहा है अभी फिलहाल। तो मेरी अपकमिंग मूवी आ रही है दिल में उतर कर देखो ना और दो साउथ की मूवी आ रही है दादी तेलुगू एंड 3D सलमान मल्टीलिंगुअल मूवी है। सो फॉर मी अभी हमारे तो ऑलमोस्ट एवरी डे यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स कमिंग अप, अभी इसी वीक में हमने 3 गाने शूट किए, ये तीसरा है, पहला था एक गजेंद्र वर्मा जोनिता गांधी का, एक गाना था ऐश किंग और सुकृति कक्कर का जो अभी परसों शूट हो रहा है, एक निखिल डिसूजा का था और अभी और भी काफ़ी सारे गाने शूट पे है तो होपफुली ये सारे लाइन में आएंगे, इसलिए मैंने बोला रिलीज डेट देखते हैं जुलाई अगस्त सबको अपने को शेड्यूल करना है बट आ जाएगा, आएगा, आएगा बहुत मज़ा आएगा। हाँ मज़ा आएगा, थैंक यू। गाना जो है वो मुकम्मल है गाने का नाम और यासिर देसाई ने ये गाना गाया हुआ है
और इसे वॉयला डीजी प्रोडक्शंस जो हैं कंपनी जो म्यूज़िक लेबल है वो पूरी तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. मीनाक्षी इज़ देयर, लोपा इज़ देयर एंड वी गॉट अ वेरी गुड एक्टर यूट्यूबर महेश हु इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. सो या बहुत ही अच्छा गाना है, रोमांटिक गाना है और बहुत ही अच्छी लोकेशन पर हम लोग जो है अभी फ़िलहाल शूट कर रहे हैं. तो बेसिकली ये लोकेशन क्यों सेलेक्ट किया उसके बारे में जानना है? क्योंकि इस लोकेशन के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं. मतलब सिर्फ जनरली आप एक लोकेशन पर जाते हैं तो सिर्फ एक स्विमिंग पूल होता है या फिर एक घर होता है या गार्डन होता है. यहाँ पर आपके पास कम से कम कुछ ऐसी 15-20 लोकेशंस हैं जहाँ पर आप शूट कर सकते हैं. तो दैट इज़ द रीज़न वाई वी चूज दिस लोकेशन. पहले मैंने शूट देखा तो एक ये था, स्कूल वाला था और अभी कुछ अलग है, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? यंगस्टर्स की कहानी है बेसिकली, कभी पूल पर बैठे हुए हैं, कभी कॉलेज के अंदर हैं. ये ग्रुप है, फ्रेंड्स का एक ग्रुप है बेसिकली. और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि देर आर टू रोमांटिक ट्रैक्स बेसिकली दैट आर गोइंग ऑन, जिसके अंदर ऑब्वियसली मीनाक्षी इज़ लाइक अ वेरी सिंपल गर्ल. महेश जो है उनसे बहुत प्यार करते हैं. एंड देन लोपा इज़ ऑल्सो देयर, शी इज़ महेश's बेस्ट बडी, शी इज़ वेरी स्टाइलिश, शी इज़ वेरी टॉम बॉयश. तो सबका अपना अलग अलग कैरेक्टर है बेसिकली एंड एवरीबडी प्लेइंग अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पार्ट. विद्या इज़ ऑल्सो देयर, विद्या इज़ विद मीनाक्षी इन द सॉन्ग, शी इज़ प्लेइंग हर बेस्टी. तो इस तरह से इट्स अ बंच ऑफ फ्रेंड्स हु आर देयर इन द कॉलेज. बट हाँ, मेन जो फोकस है ऑब्वियसली वी हैव इट ऑन दीज कपल ऑफ पीपल. मैम आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो अब शूट हो रहा था उसके बारे में जानना चाहूँगा. अब बहुत मज़ा आ रहा है शूट करके, इनके साथ काम करके तो सुपर लग रहा है. गाना इज़ लाइक फुल ऑन रोमांटिक गाना है, सो इट्स लाइक प्यार के बारे में है. दोनों अलग अलग लोगों के बीच में प्यार है, एक साउथ है तो एक नॉर्थ है, दोनों के बीच कैसे प्यार हो रहा है उसके ऊपर ये सॉन्ग है. सो या वेरी लवली सॉन्ग. तो अभी जो पूल साइड में जो अभी शूट हुआ उसके बारे में जानना चाहूँगा कि कितनी मस्ती की आपने? अरे वे तो मस्ती कर रही थी, मैं शूट लगा ही नहीं कि मैं काम कर रही हूँ, फुल ऑन मस्ती किया. जो मेरा को स्टार है वो भी मेरा दोस्त है, सो लाइक हम लोगों को लग ही नहीं रहा है कि मैं शूट कर रही हूँ. मुझे तो एकदम नहीं लग रहा है कि मैं शूट कर रही हूँ, मैं तो मस्ती कर रही थी. सब लोगों ने बता ही दिया स्टोरी ऑलरेडी, अभी तो सबको वेट करना चाहिए कि रिलीज़ हो जाए उसके बाद पूरा देखे. ऐसा कुछ बताना चाहोगे कि जो ये लोग ने अब तक कुछ नहीं बताया गाने के बारे में? मैं अगर वो भी बता दूं तो आप कुछ लोग क्या देखोगे देखने के लिए. सो यू गाइस वेट एंड वॉच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सॉरी, एक्सपीरियंस वंडरफुल, एक ही शब्द है. बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके, को एक्टर्स बोलिए, डायरेक्टर बोलिए, कैमरामैन बोलिए, सब मस्त है. और ऐसा लग नहीं रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि मैं सच में कॉलेज में हूँ एंड मैं मस्ती कर रही हूँ. दैट्स इट. मैम अपनी लुक के बारे में क्या बताएंगे, अपनी चुलबुली लुक जो आपको मिला है? आई लव इट एक्चुअली. मैं डिफरेंट लुक है, जनरली मेरा ऑलमोस्ट लुक सेम रहता है बट यहाँ पे फुल ऑन चेंज है मेरा. सो एवरी लुक इज डिफरेंट, सो आई एम एक्साइटेड फाइनली क्या आएगा बन के. सो थैंक यू.